नेता और जनसंपर्क के साथ उनका जनता के बीच क्रियाकलाप बढ़ गया है। अब सभी प्रत्याशी अपने अपने विचारों को, अपने कार्यों को, सामाजिक योगदान को जनता के बीच रखना चाहेंगे और इस जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशियों के आगे बढ़ते ही जनता भी बोलने लगी है कि यह प्रत्याशी तो कभी नजर ही नहीं है। तो कुछ प्रत्याशी के बारे में कहती है कि यह प्रत्याशी ही सच्चा प्रत्याशी है। अब समय कम है, लेकिन अब जनता तय करेगी कि वार्ड नंबर 14 में कौन से प्रत्याशी सक्षम है जो आने वाले 5 साल उनका ख्याल रख सकेंगे। यह काफी महत्वपूर्ण है और मिथिला मंच न्यूज पर उन तमाम प्रत्याशियों के बयान हम आपको सुनाते हैं। आज देखिए वार्ड 14 के पूर्व पार्षद राजकुमार सहनी का बयान। पहली बार जीते थे, अति पिछड़ा सीट हुआ, पहली बार हम जीते। इसके बाद सबसे पहले बीपीएल धारी को 150 से ऊपर आपको गैस सिलेंडर हमने दिलाया है, और मेरे वार्ड में लगभग परसेंटेज घर में शौचालय का पैसा मिला है। इसके बाद आपको 38-39 प्रधानमंत्री आवास योजना दिलवाए हैं, और पूर्व पार्षद के द्वारा जितना भी लिस्ट दिया गया था, वो लिस्ट का काम रोड हो या नाला, उसको हम ख़त्म किए हैं। अभी हम जो योजना लिख करके दिए हैं तो राज्य सरकार से चिट्ठी वापस नहीं आया है, जिसकी वजह से 25 लाख रुपया वापस चला गया है, क्योंकि पूर्व पार्षद 13 को ही योजना लिख करके दिए हुआ था पूरे वार्ड में, हम लोग के इधर का एक भी रोड नाला लिख के नहीं दिया था, जिसकी वजह से हमारा योजना वापस चला गया है। इसी को हम ही से टक्कर है, हम 50% अकेला वोट लाएंगे, इतनी हमारी गारंटी है। किस आधार पे? क्योंकि हम जनता के बीच में 5 साल जो रहे, किसी से न कोई झंझट हुआ है, न किसी से न कोई लड़ाई हुआ, कोई कुछ बोल भी देता तो हमको सुनने का अधिकार है, क्योंकि हमको उसने वोट दिया है। जनता तो चाहती है हमारा प्रतिनिधित्व ऐसे व्यक्ति करे जो किसी भी पदाधिकारी के सामने हमारी समस्याओं को लेकर आंख में आंख मिला के बात कर सके। हम हर समय तैयार है, 12 बजे रात में भी हमारे घर पर कोई पहुंचता है तो हम कहीं भी जाने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे कोई भी मसला हो। वोटर कितने हैं आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में 6800 लगभग 31-32 वोटर है। आपका क्या इसमें राजनीतिक और सामाजिक गतिविधि पहले भी कुछ रहा? हाँ, रहा, इसलिए कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से पहले जुड़े हुए हैं, पहले नगर उपाध्यक्ष थे। और तो मेरे वार्ड में 38 को योजना हम लिखे हैं, ये योजना लिख करके देना चाहिए था पूर्व पार्षद को, जो आज हमारा 25 लाख रुपया वापस नहीं जाता, क्योंकि नियम है नगर निगम में, कोई भी कितनों कूद फान लेगा, जब तक लिस्ट फाइनल होकर नहीं आएगा काम नहीं होगा। यहाँ तो और आप सादे सादे एकदम से? हम सादा लिबास में रहते हैं, हमेशा इसी तरह घूमते हैं, हमेशा हमको कोई किसी से तसल नहीं है। कोई कह रहा है कि हम जीत रहे, हम जीत रहे, भाई में लूट रहा है। हम 50% वोट लाएंगे उतना हम कन्फर्म है। अब कन्फर्म है? बिल्कुल। और अपने काम के आधार पे कन्फर्म? अपने काम पे, अपने स्वभाव पे, अपने पार्टी के बल पे। एक ही उद्देश्य है, चाहे हम पार्टी के लिए काम करें या अपने लिए काम कर रहे हैं, हर घर को टच करना मेरा काम है। अगर गाली भी देना होगा। हर घर से क्या अनुभव मिल रहा है? बहुत प्यार मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है प्यार? हाँ बिल्कुल, बहुत खुशी है। आज खुशी है तब ना यहाँ आए हैं तो चाय पिला रहे हैं जी, वो भी तो वोटर हैं जी, मेरे घर के तो सदस्य नहीं है, हम सहनी यादव जी हैं जो क्यों नहीं, परेशान कर हमको जो है सो आज तक ऐसा स्वभाव मिला ही नहीं, और आज तक हम किसी जनता को ऐसा कहा ही नहीं, क्योंकि जो आया जिस काम के लिए आया हम लिख करके देते हैं। तो क्या ये मान ले जो 12 बजे रात में भी अगर कोई फोन करे तो आप रिसीव कीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल, रहते हैं हमेशा। ये बताइएगा जो आपके जो वार्ड में स्ट्रीट लाइटें होती है उसका क्या कंडीशन है? हमने हर पोल पर लगवाया है, अभी दुरुस्त है। एक कंप्लेन होता है तो हम तुरंत जाके नगर निगम को कंप्लेन करते हैं और अपने जाकर के ठीक करवाते हैं। सारा कुछ तो ठीक है, पर पानी बहने की बहुत ज्यादा समस्या है। पहले से ही नाली नहीं था तो हम क्या कर सकते हैं, जो नाली हम मिला जहाँ से जहाँ। तो सर आप काम किए, पहले एक ही नाली हमारे यहाँ था जो लिखा हुआ था पूर्व पार्षद के अतिरिजन में, तो अभी हम रामचंद्र धोबी के घर से सूरोबारी के 5 दुकान तक नाली बन गया, और सूरोबारी के 5 दुकान से अभी जो है सो आपको गंगवारा पुल तक नाली बनना है, जिसमें हाथ लगा हुआ है जी। हम आपको 2017 में आम सभा किए थे, 17 में जीते हैं, 18 में आम सभा किए हैं फरवरी में, और फरवरी में बोर्ड के बैठक में भी पास हो गया है 38 को ये। बाकी जो आपके प्रत्याशी हैं वो भी तो दावा ठोक रहे हैं, जो हम भी हवा हवाई है सर, पैसे के बल पर कोई चाहेगा कि हम जीत ले वो संभव नहीं है, हमको लोगों का प्यार मिला है और आगे भी क्या मिलेगा। ऐसा मानते हैं जो पैसे के बल पे चुनाव लड़ा जाता है? हाँ लड़ रहा लोग। किस तरह से? अब 10 गो को जो है खिला रहे हैं, 10 गो को
के लिए भोज कर रहे हैं, 10 जगह आप दारू पिला रहे हैं, ऐसा हो रहा है हम लोग कर रहा है जबकि शराबबंदी है। फिर सारा नीतीश कुमार का फेल है, शराबबंदी नहीं जबकि शराब बेचने वाला बढ़ गया है, हर घर घर हो गया है।